नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी और इस समय हम मौजूद हैं नगर के मुख्य बाजार में स्थित ये नयन सुख सागर तालाब के बंद पर। और आज यहां पर नगर पंचायत मेहरौनी, बुंदेलखंड डेवलपमेंट फाउंडेशन और नेहरू युवा केंद्र सहित नगर व क्षेत्र के जागरूक बुद्धिजीवी नागरिकों के द्वारा तालाब का साफ सफाई अभियान चलाया गया। और इस दौरान यहाँ पर तालाब में जो पानी के साथ कर गंदगी आ रही थी उसको साफ किया गया। सभी लोगों ने यहां पर अपना श्रमदान दिया है और तालाब को पानी को साफ सुथरा बनाए रखने का ये एक प्रयास है। इसी दिशा में तालाब के किनारे जो सुरक्षित स्थान है वहां पर वृक्षारोपण जैसे अभियान को भी गति दी गई ताकि यहां पर जो घूमने आए, जॉगिंग के लिए आए, उनके लिए आने वाले समय में साफ फ्री हवा और ऑक्सीजन उनके लिए पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। वृक्षारोपण के साथ साथ यहाँ पर इन पौधों को संरक्षित करने का भी संकल्प लिया गया और यहाँ पर समुचित ट्री गार्ड इत्यादि लगाने की बात नगर पंचायत द्वारा कही गई है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान यह भी यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है कि आने वाले दिनों में यहाँ बेहतर से बेहतर साफ सफाई करने के प्रयत्न होंगे और प्रमुख रूप से यहाँ बगल में जो देसी शराब की एक दुकान है उसके जरिए यहाँ पर कुछ शराबियों का जमावड़ा होता है, उन पर नियंत्रण लगाने की दिशा में भी सुझाव दिए गए हैं क्योंकि शराबी यहां पर आकर शराब पीते हैं और जो क्वार्टर इत्यादि खाली जो बोतलें होती हैं वो इसी पानी में फेंक देते हैं, जो कि एक चिंतनीय विषय है। शासन की मदद लेते हुए इस समस्या के निराकरण की आशा जताई गई है और ये अभियान अब रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ऐसी मंशा जाहिर की गई है। आने वाले दिनों में यही कोशिश होगी कि नयन सुख सागर तालाब के दिन बहोरें और नगर का जल संरक्षण का सबसे बड़ा स्रोत साबित हो, यहाँ का पानी उपयोग में लिया जा सके, यहाँ पर एक अच्छा रमणीय स्थान बने, इसी दिशा में ये प्रयत्न जारी है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सहयोगी वरुण राजा के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। साथ मौजूद हैं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह संटू राजा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि परसों नगर पंचायत कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसका प्रमुख एजेंडा था जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान जी, जिसके तहत आज सभी आह्वान किया गया मीडिया के द्वारा और नगर के प्रमुख सभी लोग जिसमें नगर पंचायत मेहरौनी और समस्त पार्षदगण नगर पंचायत मेहरौनी के, नेहरू युवा केंद्र के रोहित जी और बुंदेलखंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी जी, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और समय अनुसार ठीक सुबह 8 बजे सभी सामाजिक कार्यकर्ता तालाब पर पहुंचे और यहां सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान को एक नई गति, नया आयाम दिया गया जिसके तहत सभी लोगों ने यहां श्रमदान किया और वृक्ष रोपित किए। सभी काम, महत्वपूर्ण काम छोड़ के इस काम के लिए अपना समय निकाला, जिनके लिए हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। ये अभियान कब तक चलेगा और आगे क्या उम्मीद है? इस अभियान की शुरुआत और नींव तो जैसे आज रखी गई है और इसकी आगे की जानकारी श्री सुधीर त्रिपाठी जी बताएंगे कि इसको और कहां कहां तक लेके हमें जाना है। हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेलखंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के सचिव सुधीर त्रिपाठी जी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आगे की क्या रूपरेखा है और ये अभियान कितना आगे तक जाएगा। हमारे हृदय स्थली मेहरौनी के मध्य में ये नैन सुख सागर तालाब जो है ये निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को शीतलता प्रदान करे, यहाँ के लोग यहाँ स्नान कर सकें, यहाँ का पानी पशु पी सकें, ऐसी व्यवस्था में आ जाए ये हमारा स्वप्न है। और आज जिस हिसाब से मेहरौनी नगर के लोगों ने सहयोग दिया है, सुझाव हुए हैं, हमारे पंचायत प्रतिनिधि श्री संटू भाई साहब ने जो आज तुरंत यहाँ पर जाली लगवाई, यहाँ पर वृक्षारोपण हुआ और रचनात्मक कार्यों को मनोयोग से लगे हुए हैं नेहरू युवा केंद्र के रोहित जी, हम सभी सूर्यकांत जी, आपकी पूरी टीम लगी है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक पाइपलाइन जो है वो प्रमुख नदी से या नहर से जुड़कर यहाँ आ जाए और शुद्ध पानी प्योर यहाँ रहे। यहाँ जो अभी गंदगी आ जाती है और कई जगह से कुछ जल भराव होता है जिसमें कि यहाँ गंदगी तालाब में आ जाती है, वो पूर्णतः बंद हो जाए, स्वच्छ पानी यहाँ 12 माह रहे और यह मेहरौनी नगर के जो हृदय स्थली पर 7-8 वार्ड हैं उन वार्डों में जल प्रबंधन कर पाए, इस दृष्टि में मैं काम करना चाहता हूँ। नेहरू युवा केंद्र ललितपुर के जो समन्वयक हैं भाई रोहित त्रिपाठी जी, उनकी टीम भी आज यहाँ पर
आई है, श्रमदान किया है और इस पुनीत कार्य में सहयोग किया है, क्या अपेक्षित सुझाव हैं और किस तरह से हम बेहतर दिशा में जा सकते हैं? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर एक छोटा सुझाव देना चाह रहा था कि जो समस्या एक रखी गई कि शाम के समय यहाँ पर शराबियों का जमावड़ा हो जाता है, तो दो प्रयास एक जो हमारे लोकल लेवल से किए जा सकते हैं। पहला ये कि अगर इस क्षेत्र को हम रमणीक स्थल में बदल देते हैं, सुबह और शाम के समय यहाँ पे लोगों का टहलना प्रारंभ हो जाता है, जब इवनिंग वॉक है और मॉर्निंग वॉक है, तो कहीं ना कहीं फिर वो ऐसे अराजक तत्व जो शाम को यहाँ जमावड़ा करते हैं उनका आना कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब लोगों की उपस्थिति होगी तो वो लोग यहाँ पर अल्कोहल वगैरह लेना बंद कर देते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर हम एक कोबरा पुलिस की तैनाती बिल्कुल करा सकते हैं, जैसा कि सुधीर त्रिपाठी जी ने जिक्र किया था, 6 से शाम को 10 बजे तक यहाँ पर 2 कोबरा पुलिस की तैनाती बिल्कुल यहाँ के थाना प्रभारी द्वारा कराई जा सकती है। तीसरा, शराब का जो ठेका है इसके लिए एक ज्ञापन हम लोग यहाँ के SDM को दे सकते हैं, SDM साहब से मिलकर और वहाँ के जिलाधिकारी महोदय से कहकर 100 मीटर के दायरे या 200 मीटर के दायरे से तालाब के आसपास किसी प्रकार का कोई शराब ठेका ना हो, ये सुनिश्चित कार्रवाई करने का हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे। और यहाँ के SDM को बिल्कुल पावर है जिला आबकारी अधिकारी को बोलकर कि वर्तमान जो लाइसेंस है इसके लिए मैं नहीं कह सकता कि उनके यहाँ क्या प्रक्रिया है कि इसको स्थानांतरित कब तक किया जा सकता है, लेकिन अगले आने वाले जो भी लाइसेंस होंगे अप्रैल से वो इसके 200 मीटर से 300 मीटर तक की दूरी पर ना हो, ये सुनिश्चित वो लोग कर सकते हैं। जी, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपने सुझाव हम तक ज्ञापित करने के लिए।